नमस्कार, आप देख रहे हैं दशक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ शशि शर्मा। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। रुनी सैदपुर में बाढ़ अपना कहर पूरी तरह बरपा रही है। बागमती लखनदेई मनुस्मारा नदी में लगातार जल वृद्धि से प्रखंड क्षेत्र के लगभग दर्जनों गांव पघौनी, राक्सिया, इब्राहिमपुर, शिवनगर सहित अन्य गांवों में लोगों के घर में बाढ़ का पानी आना शुरू हो चुका है। लोगों में काफी डर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के कहर से लोग ऊंचे स्थान पर शरण भी ले रहे हैं। वहीं खड़का गांव में शिव शंकर ठाकुर के घर के समीप बांध में आर पार रिसाव से लोग काफी डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन बांध के रिसाव को बंद करने में पूरे प्रयास कर रहा है, पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी सुविधा बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं पहुंची है। लोग प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। इधर प्रशासन बाढ़ को देखते हुए भी पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। जगह जगह बने रैन कट को भरने में लगी हुई है। पहले ही नहीं करे सरकार की तरफ से कुछ मिला है मुआवजा? सरकार की तरफ से अभी नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? वार्ड नंबर? बाढ़ का यही स्थिति है। बाढ़ का एकदम पूरा भयावह स्थिति है। यहाँ रुनी सैदपुर के बांध के तटबंध के अंदर में बागमती नदी के किनारे जो गांव से बसा हुआ है, दर्जनों गांव है जो अभी बाढ़ के चपेट में पूरा तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ये कौन सा गांव है? ये इब्राहिमपुर गांव है। अब आप देखिए यहाँ तक ये सब कितना है, पानी आ गया है। यहाँ का लोग का जीवन जो है पूरा बेहाल हो गया है। कैसे क्या करे, बड़ा दुख हो रहा है इस स्थिति में। लोगों को रहने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एकदम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, बांध के अंदर में इधर लगभग कितने गांव में पानी घुस गया हुआ? कितने दर्जनों गांव हो सकते? दर्जनों गांव है लगभग। गांव का लगभग भर्ती है, बघौनी है, इब्राहिमपुर है और भी गांव है, रक्सिया है और शिवनगर है। ये सब तमाम गांव है जिसमें पानी सैकड़ों घर में घुस गया है और स्थिति जो है अभी भयावह है। अभी पानी बढ़ ही रहा है और इस तरह के रहेगा तो हम लोग का निकलना यहां से मुश्किल जीना मुश्किल हो जाएगा। और यहां अभी सरकार की तरफ से कोई SDRF NDRF का कोई टीम नहीं बहाल हुआ है और यहां के लोग अभी दहशत में बना हुआ है। और रात कैसे कटे फिर दिन कैसे कटे ये इसमें अभी लोग जो है एकदम। क्या नाम हुआ आपका? राजा राम पंडित। घर? इब्राहिमपुर।